इस वीडियो में हम आर्टिकैड में मौजूद यूटिलिटीज़ के बारे में सीखेंगे और जो यूटिलिटीज़ मौजूद है आर्टिकैड में इनके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। हमने अपने लास्ट वीडियो में सीखा था कि हम किस तरह आर्टिकैड में ग्रुप की जो कमांड है इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और जो ग्रुप की जो कमांड है इसका हमें क्या फ़ायदा मिलता है आर्टिकैड में यूज़ करते हुए, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब आप होम टैब के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप आएंगे तो ग्रुप्स के नाम से आपको एक टैब मिलेगा। इस टैब के अंदर जो है ग्रुप मौजूद है, आयन ग्रुप, एडेड ग्रुप, इस तरह इसके अंदर तीन चार और ऑप्शन मौजूद है। तो इन सब के बारे में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी। आज की वीडियो में हम ऑटोकैड में मौजूद यूटिलिटीज के बारे में हम बात करेंगे और उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सो यूटिलिटीज़ में यूटिलिटीज टैब में आप जाएंगे, इस ये जो ड्राप डाउन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 6-7 ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि क्विक डिस्टेंस एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पर क्विक सेलेक्ट, सेलेक्ट हर, क्विक कैलकुलेटर, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 2-3 और ऑप्शन मिल जाएंगे। सो इस वीडियो में हम ये जितने भी यूटिलिटीज़ मौजूद है, क्विक डिस्टेंस वगैरह वगैरह, इनको हम यूज़ करते हुए इसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। सो इसमें सबसे पहले जो है वो क्विक है, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप शॉर्टकट मेनू में देखेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि डिस्टेंस, रेडियस, एंगल, एरिया, वॉल्यूम, क्विक मोड, एग्जैक्ट, ठीक है। और जैसे आप क्विक के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है ऑटोकैड के स्क्रीन पर एक येलो कलर का जो है वो क्रॉस अपीयर हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्विक को यूज़ करने से पहले हम चाहते हैं कि ऑटोकैड के स्क्रीन पर कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रा करें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, एक लाइन है हमारे पास। इसके अलावा एक सर्कल है, ठीक है, और इसके अलावा हम एक ड्रा कर लेते हैं जी, और हमारे पास एक एंगल मौजूद है, ठीक है, एक एंगल है हमारे पास। तो हम यहाँ से क्विक के ऊपर क्लिक कर लेते हैं क्विक। अब यहाँ पर अगर आपने डिस्टेंस को मेजर करना है, ठीक है, तो आप यहां से डिस्टेंस या कीबोर्ड से डी टाइप करके एंटर करेंगे तो आपके पास जो है डिस्टेंस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। अब अपने इसकी जो है वो डिस्टेंस जो है वो अपने मेजर करनी है तो आप फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद सेकंड पॉइंट आप लेंगे तो आपके पास जो है इसकी जो डिस्टेंस है वो डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। क्विक अगर आप इस तरह अगर आप चाहते कि नहीं आपने यहाँ से सिलेक्शन नहीं करनी, आपने डायरेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जो है वो मेजरमेंट करनी है, ठीक है, तो आप परंपर अगर आप जैसे आप जिस ऑब्जेक्ट को करीब लेके जाएंगे कर्सर को तो उसी की जो डिस्टेंस है वो शो हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर मैं इसके करीब लेके जाता हूँ ना तो इसकी जो डिस्टेंस है वो शो हो जाता है। अगर मैं एंगल यहाँ से मैं एंगल ले लेता हूँ, ठीक है, एंगल जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो भी शो हो रहा है और जो बिटवीन एंगल है दोनों लाइन के दरमियान वो भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो रेडियस है वो डिस्प्ले हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो रेडियस है वो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ अगर एरिया आपने मालूम करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रेक्टेंगल है, मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ, यहाँ से मैं क्विक के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अगर आपको इसकी जो है एरिया चाहिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो एरिया है वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। सो अब हम बात करते हैं क्विक के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास उनके बारे में हम सीखने की कोशिश करते हैं। सो आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर क्लिक करें, हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो डिस्टेंस है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जैसे आप क्विक के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर शो हो रही है इस लिस्ट में, रेडियस, डिस्टेंस, एंगल, एरिया, वॉल्यूम, वो यहाँ पर क्विक में भी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है, और आप यहाँ से डायरेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। डिस्टेंस अगर आपने कोई लाइन एक लाइन है, ठीक है, इसके आपने डिस्टेंस को मेजर करनी है तो आप यहाँ से डिस्टेंस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने जिस ऑब्जेक्ट की आपने डिस्टेंस को मेजर करनी है अपने फर्स्ट पॉइंट उसके बाद सेकंड पॉइंट आप सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह आपके पास जो है डिस्टेंस जो है वो शो हो जाएगी, इसका आप देख सकते हैं। डिस्टेंस के बाद जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास वो रेडियस का है, ठीक है। अगर आपके पास कोई आर्क है या सर्कल है इसकी रेडियस आपने मेजर करनी है तो आप इसके जस्ट आर्क या सर्कल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है इसकी रेडियस जो है वो शो हो जाएगी। बारे में हमारे पास एक आर्क है, ठीक है, इस तरह का आर्क है, इसकी रेडियस जो है वो आपने मेजर करनी है तो आप यहाँ से रेडियस को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये जो आर्क इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसकी जो रेडियस जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो रेडियस के बाद जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास एंगल है। अगर आपने एंगल को मेजर करना है तो आप यहाँ से एंगल के ऊपर क्लिक करें, इसके बाद फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन तो आपके पास जो इसकी एंगल जो है वो शो हो जाएगी, इसको आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है।
एंगल के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो एरिया के हैं, ठीक है। अगर आप परंपरा आपके पास कोई क्लोज शेप है, ठीक है, इसकी एरिया आपने मेजर करें तो आप यहाँ से एरिया के ऊपर क्लिक करें और इसके बाद फिर आप जितने भी इसके जो कॉर्नर होंगे या जो पॉइंट होंगे वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो इसकी एरिया जो है वो आप यहाँ पर जो ऑटोकैड की स्क्रीन ऊपर डिस्प्ले है इसके आप दे सकते हैं, एरिया इतना है, पैरामीटर इतना है, ठीक है। सो एरिया के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास वो वॉल्यूम का है। सो यहाँ पर याद रखें कि वॉल्यूम जो है हमेशा 3D ऑब्जेक्ट की होती है, 2D ऑब्जेक्ट की आप जो है वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकते। तो इसकी जो एनवायरनमेंट है ऑटोकैड इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं 3D में कर लेता हूँ। इस होम बटन के ऊपर आप क्लिक करें तो 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। अब परम्भ हमारे पास एक बॉक्स है या एक सिलेंडर है तो मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ, BOX बॉक्स, और ऑटोकैड के स्क्रीन पर एक सिंपल सी बॉक्स जो है हम ड्रा कर लेते हैं। और फिर इसके बाद जो है एक सिलेंडर और बॉक्स की जो एरिया है वॉल्यूम है वो हम फाइंड आउट करेंगे। परम्भ हमारे पास एक बॉक्स, ठीक है, इस तरह इसकी जो वॉल्यूम है अब हम इसको मेजर करेंगे। कैसे करेंगे, आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करें, फिर इसके बाद आप वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करें। सो आपने इसकी जो बेस है ना, सबसे पहले आपने ये पॉइंट सेलेक्ट करने सारे पॉइंट, ठीक है। पॉइंट को सेलेक्ट करने के बाद फिर आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे। अब आप कह रहे हैं स्पेसिफाई हाइट, फिर इसके बाद फिर आपने इसकी हाइट देनी है तो हाइट इसकी इतनी है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी जो वॉल्यूम है वो डिस्प्ले हो जाएगी, जिसके आप देख सकते हैं 553.3910 इसकी जो वॉल्यूम है, ठीक है। अब अगर सिलेंडर की वॉल्यूम को मेजर करना है तो सेम तरीका है, पहले आप यहाँ से रेडियस को सेलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, मैं यहाँ से एक सिलेंडर ड्रा कर लेता हूँ, सिलेंडर हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है। इसकी वॉल्यूम जो हमने फाइंड आउट करना है, मेजर करना है, कैसे करेंगे, आप इस वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करेंगे, फर्स्ट पॉइंट देंगे, फिर उसके बाद फिर आप यहाँ से आर्क को सेलेक्ट करेंगे। सो सबसे पहले जो है आपने 1 आर्क देना है, उसके बाद फिर आपने 2nd आर्क देना है, वॉल्यूम फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद फिर आप यहाँ से आर्क के ऊपर क्लिक करें, उसके बाद की बस एंटर प्रेस करें। अब हाइट, तो हाइट में इसको ये वाला देता हूँ, तो इसकी जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है यहाँ पर इसके बाद वो क्विक सेलेक्ट, ठीक है। अगर आपने क्विक सेलेक्शन करने तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है एक विंडो जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। आपने यहाँ से जो भी जो ऑब्जेक्ट है वो सेलेक्ट करने पर मैं यहाँ से लाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो लाइन की जो है आपने कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है, सो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके आपके बाद ओके करेंगे तो इसकी जो जो ऑब्जेक्ट होगा रिक्वायर्ड, इसकी जो प्रॉपर्टीज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्विक प्रॉपर्टीज के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो सेलेक्ट ऑल का है, ठीक है। अगर ऑटोकैड की स्क्रीन पर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे ऑटोकैड की स्क्रीन पर वो सारे जो है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो क्विक कैलकुलेटर का है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप ऑटोकैड के स्क्रीन पर कोई कैलकुलेटर जो है वो ऑन करें और उसमें आप कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ऑटोकैड की स्क्रीन पर एक कैलकुलेटर जो है वो अपेयर हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक आम सी कैलकुलेटर की तरह, ठीक है। तो इसमें आप जो भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसमें हमारा फायदा है कि इससे हमारे पास जो टाइम है वो बच जाता है, ठीक है। आपको अलग से कैलकुलेटर जो है वो ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि अगर आपने अलग कोई कैलकुलेटर ओपन करा है तो आप कंप्यूटर के विंडो में जाएंगे, वहाँ से आप टाइप करेंगे कैलकुलेटर, और हो सकता है कि आपको जो ऑटोकैड है वो भी मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना पड़ता है, इससे जो हमारा टाइम है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप शॉर्टकट के जरिए कैलकुलेटर को ओपन करें तो आप सिंपल कीबोर्ड से कंट्रोल एट प्रेस करेंगे, तब भी आपके पास जो है क्विक कैलकुलेटर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा ऑटोकैड की स्क्रीन पर। सो इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यूटिलिटीज में वो ID पॉइंट है, ठीक है। तो इसको मैं ID पॉइंट को यूज़ करने के लिए मैं इसको 2D में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ID पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है ऑटोकैड स्क्रीन पर जो भी ऑब्जेक्ट ड्रा किया हो, ठीक है, आप उसकी जो UCS है, ठीक है,
जो उसके जो पॉइंट हैं वो आप मेजर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से आई डी पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर आप कोई भी पॉइंट देंगे, ठीक है। अगर आप कहते कि ये जो कॉर्नर है या ये जो पॉइंट है ये हमारे जो यू सी एस है, ठीक है, ये वाला ओरिजिन से कितना दूर है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्स एक्सिस में इतना ये दूर है, ठीक है, हमारे जो ये जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, जो ओरिजिन पॉइंट है, और वाई से इतना है और जेड से इतना है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ से कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है वो आप कोऑर्डिनेट जो है वो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। आईडी मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ये जो पार्क है इसके सेंटर के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा एक्स इतना, वाई इतना और जेड जो है जेड डायरेक्शन में हमने काम नहीं किया, इस वजह से जेड जो हमारे पास है वो जीरो है। अगेन आईडी पॉइंट के बाद पॉइंट स्टाइल है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई जो है पॉइंट लगाए हुए, मैं कुछ पॉइंट जो है ऑटोकैड के सिंबल ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है, एक पॉइंट हमने ड्रा कर दिया। अगर आप पॉइंट के स्टाइल को चेंज करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह जो है एक विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आप कोई भी पॉइंट के जो स्टाइल हुआ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद फिर आप ओके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी जो स्टाइल है पॉइंट की वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, इसका देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो लेसन थी वो आप सीख चुके होंगे। फिर भी किसी को कोई दिक्कत पेश आ रही, समझ नहीं आ रहा, तो वो कमेंट बॉक्स यूज़ करते हैं, आप जो कमेंट है वो आप करें, इंशाल्लाह हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।